हाई एवरी वन वेलकम बैक टू दीक्षाज एडुकेशन हब आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द बैलेंस डाइट काफ़ी टाइम से सुना होगा आपने कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें काब्स भी हो प्रोटीन भी हो फैट्स भी हो वाइटामिन भी हो मिनरल वाटर रफेज रफेज यानी कि चारा तो ये सारी चीज़ें आपके खाने के अंदर होनी चाहिए तो ये क्या होता है कार्बोहाइड्रेट क्या होती है प्रोटीन क्या होती है फैट्स इन सब के बारे में वन बाय वन देखेंगे सबसे पहले तो बैलेंस डाइट होती क्या है तो बैलेंस डाइट यानी कि आपकी जो प्लेट है उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होंगी ठीक है कोई फिक्स क्वांटिटी में होंगी डाइटिशियन के पास आप लोग जाते हो तो एक क्वांटिटी बनाए बना के दी जाती है जैसे अगर आपको अपनी पेट की चर्बी कम करनी है तो उस केस में क्या बोल दिया जाता है कि रात को सैलड खाएँ ठीक है फाइबरस चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करें टाइम बता दिया जाता है कितने टाइम में खा लें क्योंकि हमारी जो डाइजेशन है वो भी स्लो और इंक्रीज होती रहती है विद टाइम तो ये जो बैलेंस डाइट होती है इसमें डिफरेंट टाइप का फूड आ जाता है कुछ फिक्स क्वांटिटीज़ में कुछ प्रोपोर्शंस में कैलरीज आ जाएंगी प्रोटीन आ जाएंगे मिनरल आ जाएंगे वाइटामिन आ जाएंगे और बहुत सारे न्यूट्रियट तो दो तरह की हो सकती है एक डाइट आपकी अनबैलेंस्ड वेगन मील होती है जिसमें ना तो प्रॉपर प्रोटीन होता है ना ही उसमें कोई फैट्स होती है तो इसकी कमी रहती है बहुत कम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट अभी देखेंगे आगे चल के और इतना जो फाइबर होता है वो भी बहुत कम रहता है ठीक है बस ये है कि फ्लेवर वेली फ्लेवर के लिए आप खा लेते हो वो चीज़ें गोलगप्पे आ गए चाउमीन आ गई ये सब चीज़ें ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो है ये अनबैलेंस्ड वेगन मील में इसको आप कंसिडर करते हो फिर आती है आपकी बैलेंस्ड वेगन मील इसमें क्या आता है सब चीज़ों का बैलेंस मिलेगा आपको कार्ब्स भी मिलेंगे फैट्स भी मिल जाएंगे प्रोटीन्स भी मिल जाएंगी एंड इसको हम क्या करते हैं माइक्रो न्यूट्रियट से पैक करके रखते हैं यानी कि हमें यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रियन्ट्स भी मिल जाते हैं फाइबर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा और फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा होता है तो मतलब एक तरह से हेल्दी डाइट की बात हो रही है आपने बहुत बार सुना होगा अबाउट द बॉडी मास इंडेक्स इसमें पूछ लिया जाता है कि एक्चुअल में होता क्या है तो इसमें आपने कुछ नहीं करना होता ऊपर अपना वेट लिखना होता है एंड नीचे लिखनी होती है अपनी हाइट हाइट जो रहती है वो रहती है स्क्वायर में और फीट में नहीं लिखनी है वो लिखनी है हमेशा मीटर्स में तो ऊपर आ गया वेट के में और हाइट आ जाएगी मीटर्स में तो यूनिट बन गई किलोग्राम मीटर इनवर्स स्क्वायर ठीक है तो ये पूछ लिया जाता है कि रेशियो किसका होता है तो वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर तो दैट गिव रईज टू बॉडी मास इंडेक्स कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया है मान लो किसी का वजन 75 फाइव के जी है और उसकी हाइट 1.75 मीटर है तो उसका बी एम आई यानी कि आप बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको 1.75 का स्क्वायर ले लेना है क्योंकि हमने क्या बोला अभी कि जो बॉडी मास इंडेक्स होता है दैट इज इक्वल टू आपका जो वेट है और डिवाइडेड बाई हाइट का स्क्वायर और हाइट ली है मीटर्स में तो फीट से पहले मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको 3.06 मीटर स्क्वायर आ गई इसकी तो टोटल जो इनका जो भी है ये ए बी सी डी पर्सन इनका जो बॉडी मास इंडेक्स आया वो कितना है ट्वेंटी अब इसकी एक कैटेगरी भी होती है कि अगर ये बी आपका एटीन से कम आता है तो आप अंडर आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो कुछ खास नहीं है आपका हेल्थ जो है वो अंडर सा हेल्थ है ठीक है अंडर वेट होंगे आप हेल्दी हुए तो उस केस में आपका जो बॉडी मास इंडेक्स रहेगा वो लगभग 18.5 से 24.9 तक रहेगा जैसे यहाँ पे देखो ट्वेंटी फोर है तो 24.5 के हिसाब से ये जो पर्सन है ये बिल्कुल हेल्दी कंसीडर किया जाएगा फिर आते हैं ओवर वेट भी होते हैं कुछ जिनका बॉडी मास इंडेक्स क्या चला जाएगा पच्चीस से उनतीस इनको बोल दिया जाता है थोड़ा ओवरवेट की कैटेगरी में आपको मिलेंगे फिर आएंगे ओबीज जिनका सोचते ही आप बर्गर इमेजिन करोगे कि बर्गर खा रहे हैं तो तीस से ऊपर जिनका भी बॉडी मास इंडेक्स रहता है उनको कैटेगरी में डाल दिया जाता है ओबीज वाली कैटेगरी में डाल दिया जाता है अब जो बैलेंस डाइट के हमने कॉम्पोनेट्स देखे कौन कौन से जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मिनरल वाइटामिन एंड ऑल सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट द कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये होते हैं आपके मैक्रोन्यूट्रिय सबसे पहले तो माइक्रो और मैक्रो का मतलब समझ लो मैक्रो का मतलब है कोई चीज बड़ी है ठीक है साइज में बड़ी है लार्ज है माइक्रो का मतलब होता है कोई चीज़ सूक्ष्म है तो मतलब हमारी बॉडी के अंदर आप देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट जो थे वो काफ़ी क्वांटिटी में होते हैं ठीक है तभी तो फैट वगैरह इजीली लग जाता है तो ये हम कंसीडर करते हैं माइक्रो न्यूट्रिय कि पोषण की एक ऐसी फॉर्म जो कि काफ़ी मैसिव है मैक्रो है एंड इसमें तीन मेन चीजें होती हैं वो इसके नाम में ही लिखी हैं एक तो है कार्ब यानी कि कार्बन ठीक है एलिमेंट पूछा जाए तो कार्बन आ जाएगा दूसरा बोला ओ यानी कि एक आ जाएगी आपके पास ऑक्सीजन और तीसरा लिखा है हाइड्रेट तो हाइड्रेट से आप याद रख सकते हो हाइड्रोजन की बात हो रही है इवन हाइड्रेट से आप वाटर बोलते हो तो H2O आ गया तो O इज फॉर ऑक्सीजन तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीन कॉम्पोनेंट्स आपको कार्बोहाइड्रेट्स में मिल जाते हैं असेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जिनके अंदर चीनी यानी कि शुगर आ जाता है फाइबर और स्टार्च ये सब चीज़ें आ जाती हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कहाँ कहाँ पे मिलेगा आपको ये तो ग्रेन्स हो गए चने वगैरह आ जाएंगे वेजिटेबल्स आ जाएंगे सब्जियाँ आ जाएंगी फ्रूट्स आ जाएंगे दूध आ जाएगा और भी बहुत सारी डेरी प्रोडक्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स हमें दे देती हैं अब ये कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ तो लिया पर ये हमें मिलेगा कैसे कैसे देखा होगा पहली बार किसी ने तो इसके लिए एक अज्यूम करना पड़ेगा हमें हाइपोथेटिकल सिनारियो जो कि आपकी एन में एक एग्जाम्पल दे रखा है कंसिडर इट इज़ लीवर और ये ले लिया बिककर अब लीवर को क्या किया इस बिकर के अंदर डाल दिया और जो बिककर था इसमें ऑलरेडी हमने एक एसिटिक एसिड ले रखा है जिसका नाम है ट्राई एसिटिक एसिड ठीक है ट्राई एसिटिक एसिड में हमने लीवर डाला इसको हमने कूटना शुरू किया कूट कूट के इसकी बना दी चटनी ठीक है जब चटनी बनाई तो यहाँ पे आपको मल्टीपल कलर्स दिखेंगे फॉर एग्जाम्पल कुछ जो होंगे वो आपको दिखेंगे ऐसे ग्रीन कलर के दिखेंगे जो कुछ मिलेंगे आपको वो दिखेंगे ऐसे स्काई ब्लू कलर के दिख जाएंगे लाइक दिस कुछ जो होंगे वो आपको पिंक कलर में दिखेंगे कंसीडर दिस ठीक है तो इन शार्ट यहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें दिख रही हैं और भी मल्टीपल कलर्स हो सकते हैं ये ले लेते ले हैं डार्क ब्लू सा ले लेते हैं तो जब ये लीवर की इसकी ऐसे कोटाई करी तो इसके इससे हमें क्या हुआ बड़ी सारी चीज़ें मिल के आई फिर हमने इसको छन लिया और जब छना यानी कि इसके ऊपर ऐसे सीव लगा दी और इसको इस कंटेनर पे पलट दिया तो हमने नोटिस किया कि कुछ कलर कंपाउंड जो थे वो छत पे रह गए छन्नी के ऊपर रह गए इस तरह से कुछ जो थे वो नीचे चले जाएंगे फॉर एग्जाम्पल हम पिंक वाला नीचे रख लेते हैं ठीक है और जो कुछ थे इस तरह से मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ कि कुछ चीजें जो थी वो ऊपर रहेगी और कुछ जो थी वो नीचे आ गई जिनका वजन ज्यादा था मॉलिक्यूल तो सेम सा होगा डायमीटर का यहाँ कोई रोल नहीं है यहाँ पे वजन का है जिनका मॉलिक्यूलर वेट 500 से लेके 800 डाल्टन तक का था वो सारा नीचे आ गया इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई जैसे कि मोनोसेकेराइड आ गए छोटे वाली शुगर्स आ गई ठीक है मोनोसेकेराइड्स आ गए फिर डायसेकेराइड आ गए ये काब्स की ही बात हो रही है पर जो हैवी वाला काप था यानी कि जो पॉलीसेकेराइड थे वो ऊपर ही रह गए वजन ज़्यादा था उसका क्योंकि आठ डाल्टन से ऊपर का था उसी तरह से जो अमाइनो एसिड थे प्रोटीन की छोटी यूनिट को बोल देते हैं ना अमाइनो एसिड वो नीचे गिर गया पर अगर प्रोटीन रह गई थी यानी कि वो प्रोटीन पूरी तरह से उसकी कुटाई नहीं हुई थी तो प्रोटीन इस छत पे ही रहेगी सी पे ही रहेगी वैसे ही एक थे लिपिड ठीक है लिपिड ये जो लिपिड थे इनका मॉलिक्यूलर वेट जब देखा गया तो वो कम था आठ सौ डालटन से कम था पर ये फिर भी सीप पे रह गए तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सीप के ऊपर रह गए क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है एग्रीगेशन की एग्रीगेशन में ये क्या करते हैं ये कभी भी एक अकेले नहीं रहेंगे ये चिपक के रहते हैं बॉन्ड्स बना के रहते हैं और जब बॉन्ड बनाएंगे तो मान लो अगर इनका वजन पचास भी था तो बहुत सारे लिपिड जब आपस में जुड़ेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है तो इसी वजह से ये ऊपर रह गया था तो यहाँ पे ये नहीं देखना हमें कि कौन सा कॉम्पोनेंट ऊपर रहा कौन सा नीचे रहा एक तो आपको याद रखनी है प्रॉपर्टी एग्रीगेशन की और दूसरा हमने क्या देखा कि लीवर के अंदर हमें सारी चीज़ें मिलगी और हमें ये रियलाइज़ हुआ कि डिफ़रेंट टाइप के न्यूट्रिएंट हमारी डाइट में प्रेजेंट होते हैं जो कि अल्टीमेटली कहाँ पे यूज़ होते हैं हमारी बॉडी फॉर्मेशन के अंदर यूज़ होते हैं तो यहाँ से हमने क्या चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे आपको अमाइनो एसिड दिख रहे हैं काब्स दिख रहे हैं फिर लिपिड्स दिख रहे हैं तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो कि यहाँ पर हमें एनालाइज करने को मिली इसी वजह से हमें पढ़ना पड़ेगा ये सारा तो जो कार्बोहाइड्रेट है ये काफ़ी अच्छा फ्यूल होता है इफ़ कंपेयर टू द प्रोटीन एंड फैट्स क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा ऑक्सीजन कंसिस्ट करता है दे हैव मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो इनको जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत कम पड़ती है एक ग्राम अगर आप देखोगे एक ग्राम चीज के अंदर जो है वो आपको चार किलो कैलोरी तक की एनर्जी मिल जाती है यानी कि एक ग्राम काब से आपको कितनी एनर्जी मिल जाती है चार किलो कैलोरी तक की एनर्जी मिल जाती है इनका फॉर्मूला देखोगे तो रहेगा सी एन एस टू ओ और ब्रैकेट बंद करके एन यहाँ पे क्या होता है n की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं दो तो c का बन जाएगा टू h2 वैसे ही रहेगा अच्छा h2 n था ये भी हाँ h2 ऐसे ही रह गया अभी और अंदर क्या था ऑक्सीजन था राइट right? और बाहर क्या था टू था अब इसको मल्टीप्लाई कर लो c2 h4 o2 इस तरह से बन गया या इससे भी सिंपल एग्जाम्पल देख सकते हैं एन की वैल्यू सिक्स रख लो सी सिक्स बनेगा एच ट्व हो जाएगा और ओ सिक्स बन जाएगा जो कि आपकी ग्लूकोज है तो देखो फार्मूला जो होता है वो जस्टिफाइबल है यहाँ पे अब जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं जैसे कि एक है सिंपल दूसरा है कॉम्प्लेक्स यानी कि एक तो आ जाएगी सरल फॉर्म और दूसरी आ जाएगी काफ़ी जटिल तो जब सिंपल की बात करेंगे उसकी भी फर्दर दो कैटेगरी हैं जैसे कि एक है मोनो सेकेराइड दूसरी रहेगी डाई सेकेराइड मोनो यानी कि एक ही शुगर का मॉलिक्यूल मिलेगा इसमें सेकेराइड का मतलब क्या है शुगर यानी कि आपको एक ही काब मिलेगी एक शुगर मॉलिक्यूल एग्जाम्पल आ जाएंगे ग्लूकोज तब से पढ़ रहे हैं प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाया था ग्लूकोज बनाया था तो वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा फिर आ जाएगा फ्रक्टोज आप ग्रेप्स वगैरह खाते हो जब भी या फिर कोई भी फ्रूट खाते हो जूसी फ्रूट खाते हो मीठा फ्रूट खाते हो तो उसमें आप क्या नोटिस करते हो वो जो शुगर होती है ना वो कौन सी शुगर रहती है वो फ्रक्टोज ही रहती है उसके बाद आ जाता है ग्लेक्टोज ये आपके ब्रेन ब्रेन में प्रेजेंट होती है ठीक है ब्रेन जो शुगर होती है दैट इज़ गलेक्टोज उसके बाद डाय सेकेराइड के एग्जाम्पल है डाय का मतलब है कि दो शुगर के मॉलिक्यूल हैं डाय मीन्स टू सेकेराइड मतलब शुगर ठीक है दो शुगर के मॉलिक्यूल हैं तो इसमें एक तो एग्जाम्पल आ जाएगा माल्टोस का तो जैसे ही आप ना स्टार्च खाते हो स्टोर फूड मटीरियल खाया आपने किसका था स्टार्च स्ट। रिजर्व फूड मटीरियल होता है किसका आपके प्लांट्स का तो जैसे ही आपने वो खाया तो आप चबाना जब शुरू करते हो तो वहां पे बनता है एक प्रोडक्ट दैट इज माल्टोज वैसे एक होती है सुक्रोज जो टेबल शुगर होती है ना नॉर्मली आप चाय वगैरह में डालते हो दैट इज सुक्रोज और एक होती है लैक्टोज ये दूध वगैरह में प्रेजेंट होती है मिल्क शुगर इसको बोल देते हैं उसके बाद आती है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स का मतलब है पॉलीसेकेराइड की बात हो रही है पॉलीसेकेराइड का यहाँ पे क्या मतलब है पॉली यानी कि मैनी बहुत सारे शुगर के अब मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे आपको इसमें एक तो स्टार्च आ गया दूसरा आ जाएगा आपका स्टार्च कहाँ पर देखा था रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स एक आ जाएगा ग्लाइकोजन जो कि हम देखते हैं एनिमल्स में एंड एक आ जाएगा फाइबर फाइबर आपके फाइबरस फ्रूट्स आ गए ठीक है काफ़ी फाइबर उनमें प्रेजेंट होता है जैसे कभी कभी क्या होता है आप खाते हो ऑरेंज तो बाल से नहीं फंस जाते कई बार दांत के साथ या सेब खाते हो तब भी होता है ये चीज़ तो वो क्या है सारी चीज़ वो फाइबर है ठीक है तो ये कार्बोहाइड्रेट की क्लासीफिकेशन थी डो रिमेंबर दिस अब सेल्यूलोज क्या था तो ये प्लांट की सेल वॉल थी हमने बोला था ना जो प्लांट सेल होता है उसकी जो भित्ती होती है सेल वॉल होती है वो सेलूलोज की बनी होती है तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा एंड uh, जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड है अर्थ के ऊपर वो किसके uh, क्या चीज़ कंसिस्ट करते हैं सबसे ज़्यादा वो सेल्यूलोज ही मिलेगी आपको केमिकल फॉर्मूला देखोगे पॉलीसेकेराइड चेन का तो वो बन जाता है सी सिक्स एच टन ओ फाइव और एन सी सिक्स एच टेन ओ फाइव और एन एन का मतलब है कि ये वेरी करता रहेगा ठीक है वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल ये फॉर्मूला सी सिक्स एच टेन ओ फाइव तो रहेगा ही पर मान लो एन कितने हैं दस से ऊपर होने चाहिए अब ग्यारह तो ये ग्यारह से आप फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो छः को ग्यारह से दस ग्यारह से पाँच को तो इस तरह से जो है वो वेरी करेगा बट आपको सिर्फ ये स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर्मूला याद रखना है दैट इज सी सिक्स एच टेन ओ फाइव और क्लॉज एन उसके बाद आता है जो प्राइमरी करेक्ट्रिस्टिक्स है इन पॉलीसेकेराइड्स का वो क्या है कि एक तो बायोडिग्रेबिलिटी यानी कि ये गल जाते हैं सड़ जाते हैं ठीक है ठीके? नेचर में प्रेजेंट बैक्टीरिया ही इनको क्या देते कर देते हैं ख़त्म कर देते हैं तो बायोडिग्रेडेबल है यानी कि नेचर साफ़ रहेगा इनकी वजह से और हाइड्रोलिसिस रेजिस्टेंस यानी कि इनके जो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं उसकी लिसिस नहीं होती वो फटते नहीं हैं वो टूटते नहीं हैं ख़त्म नहीं होते ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं उनका बायोपोलीमर हम देखते हैं क्या मिलता है आपको पॉलीसेकेराइड ही मिलता है और पॉलीसेकेराइड में भी कौन सी कैटेगरी तो वो रहती है आपकी सेल्यूलोस अब सेल्यूलोस अगर हम प्लांट से ले लें तो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट ये क्वेश्चन पूछा था आपके यू पी में यू कैन सॉल्व इट वैसे हमने पूछा जाएगा ये तो ये आपके टू में पूछ लिया गया ऑलरेडी सेल्यूलोस के ऊपर था क्योंकि ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर सेलूलोस प्रेजेंट होता है अर्थ सरफेस पे अब कितने ही प्लांट खत्म भी होते हैं तो बोलते हैं कि कितना सेल्युलोज ये डिपॉजिट करता होगा बहुत सारी नेचुरल केमिकल प्रोसेस होती होंगी इसमें तो बेसिकली ये कार्बन साइकिल के ऊपर बेस था क्वेश्चन कार्बन साइकिल आप एक एन्वायरमेंट और जोग्राफी में फिनोमिना पढ़ते हो तो वहाँ पे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आंसर आपको करना था कंबर्शन वगैरह का यहाँ पे आपको मेंशन करना था तो वो सारी चीज़ें आनी थी अब एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोजीनो ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजेनेसिस कई बार क्या होता है जो एक्सेसिव शुगर होती है या फिर एक्सेसिव जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है क्योंकि हमने पढ़ा था जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है एनिमल्स का वो क्या था वो था ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन नहीं था ना वो तो ये कहाँ पे स्टोर होता है एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन ये स्टोर हो जाता है लीवर के अंदर ठीक है लीवर जो है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेता है फिर होती है इसकी ग्लाइकोजिनोलाइसिस मान लो आपने खाना नहीं खाया है पर आपको ए चाहिए और ए के लिए तो ग्लूकोज चाहिए तो उस टाइम पे लीवर क्या करता है इसको छोड़ता है ग्लाइकोजन को कि लो ग्लूकोज बना लो तो सी सिक्स एस वो सिक्स अपने पास आ जाता है और अल्टीमेटली ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और क्या दे देता है एक तो वेस्ट मटेरियल आते हैं ठीक है थीके? और साथ में क्या निकलता था दैट वॉज ए याद है ना रेस्पिरेशन अभी स्टार्टिंग में पड़ी थी जब कल ये चैप्टर शुरू किया था तो यहाँ पे ये यह चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी ग्लाइकोजीनो ग्लाइकोजीनो का मतलब है कि ग्लाइकोजन की बात हो रही है लिसिस यानी कि उसका ब्रेक डाउन हो रहा है तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि ग्लाइकोजिनोलिस का क्या मतलब है जो एक्सेस शुगर है वो कहाँ पे स्टोर हुई लीवर के अंदर हुई पर जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ी तो इसने ले ली वापस बॉडी ने और ग्लूकोज की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया दैट इज ग्लाइकोजन टूट के किस में कन्वर्ट हो गया इनटू टू ग्लूकोज अब ये जो शुगर होती है ये क्या करती है फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाके डिपॉजिट हो जाती है इस प्रोसेस को बोल देते हैं लिपोजेनेसिस सबसे ज़्यादा फैट आपने देखा होगा कहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू करती है आपके बैक वाले एरिया में ठीक है पेट में हो जाएगी स्टमक में हो जाएगी तो वो तो बॉडी को खैर याद है चीज़ें जेनेटिक्स चलती है कि यहीं पर सबसे पहले आपका फ़ैट स्टोर होगा तो वो सारी चीज़ें तो यहाँ पर आ जाएंगी ग्लाइकोजिनोलाइसिस का क्या मतलब है कि ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा इन लीवर एंड ग्लाइकोजेनेसिस का क्या मतलब है आपने खाना खाते टाइम एक्सेसिव में ग्लूकोज ले लिया है तो लीवर क्या बोलेगा कि इसको एक्स्ट्रा में रख लेते हैं तो उसके इसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा इन ग्लाइकोजन और जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस अब आते हैं फैट्स एंड लिपिड्स के ऊपर मान लो ये एक वेन डायग्राम है आपका ये बाहर अगर लिपिड्स हैं तो इसके अंदर एक पोर्शन फैट्स का रहेगा ठीक है मतलब सारे के सारे फैट्स लिपिड हो सकते हैं ये मतलब यहां से निकल के आ रहे लिपिड जो होते हैं इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं फैट आ जाएंगे ऑयल आ जाएंगे फॉस्फोलिपिड आते हैं वैक्सीज आते हैं स्टीरोइड आते हैं ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं आपके लिपिड्स के जितने भी लिपिड्स होते हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं हाइड्रो यानी कि वाटर की बात हो रही है हाइड्रो वाटर और फोबिक क्या बता रहे हैं फोबिक कि पानी से इसको डर लगता है फियर ऑफ वाटर यानी कि ये पानी के साथ घुलते नहीं हैं दे डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर और एज अ रिजर्व फूड मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि जो ज़्यादातर फैट होता है वो लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है एज अ एडिपोज टिश्यू और एनर्जी uh, कितनी प्रोवाइड करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से तीन गुना ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं ठीक है लगभग तीन गुना ज़्यादा याद करो काबो एक ग्राम अगर आप काब लेते हो तो उसको आपको चार किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है पर वहीं पे अगर एक ग्राम आप फैट लेते हो तो आपकी एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी नाइन किलो कैलरी पर यह है कि आपके एडिपोस्ट टिश्यू भी काफ़ी फ्लफी होते चलेंगे इससे ठीक है तो वो चीज़ भी ध्यान में रखनी होती है तभी तो बोला बैलेंस डाइट अब जो फ़ैट होता है ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीडेशन पे देन ग्लाइकोजन उतनी हेल्दी फूड नहीं कर पाता जितनी फैट्स कर देती हैं जो स्टोर्ड फैट होता है उसको एज अ फ्यूल यूज़ करती है बॉडी जब ग्लूकोज बॉडी में अवेलेबल नहीं होता तभी तो बोलते हैं कि अगर आपको पेट कम करना है तो रात को सैलेड खाओ फिर रात को क्या होगा जब सैलेड खाओगे तो उससे आपको भूख और ज़्यादा लगेगी आपका फैट जो था डिपॉजिट हो रखा था बॉडी के अंदर वो टूटना शुरू करेगा और जब टूटना शुरू करेगा तो पेट जो है वो घटना शुरू करेगा तो दैट हैपन उसके बाद एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइपेज लाइपेज क्या करता है फैट्स को डाइजेस्ट कर लेता है और जो फैट होती है उसको फर्दर क्या करता है लाइपेज इट लाइपेज क्या करता है इसको फैटी एसिड और ग्लिसरोल वगैरह में कन्वर्ट कर देता है ह्यूमन जो होते हैं ज़्यादातर फैटी एसिड अपनी बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज कर लेते हैं तो जो भी फूड खाया होता है उसे ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर लिया होते हैं और साथ में सिंथेसाइज कर लेते हैं बॉडी के अंदर ही बहुत फ्यू यानी कि बहुत कम ऐसे फैटी एसिड हैं जो कि सिंथेसाइज नहीं होते और वो हमारी डाइट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए और ऐसे टाइप के फैटी एसिड्स को हम बोल देते हैं असेंशियल फैटी एसिड यानी कि ऐसी फैटी एसिड जो हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर पा रही सिंथेसाइज नहीं कर पा रही तो हैस हमें अपनी डाइट में वो इंक्लूड करनी पड़ती है इसमें इन एग्जाम्पल्स uh, आ जाते हैं आपके लिनोलिक एसिड लिनोलिकिनिक एसिड तो इस तरह से बड़े सारे एसिड्स आ जा जाते हैं अब ये लिनोलिक हो गया लेनोलिनिक हो गया ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड नट वग़ैरह में सनफ्लावर ऑयल के अंदर तो वहाँ पे इनकी प्रेजेंस आपको मिल जाती है अनसेचूरेटेड होते हैं ये अभी देखते हैं अनसेचुरेटेड सैचुरेटेड क्या चीज़ें हैं वेल और सील इनका जो फैट होता है स्किन के अंडर हमें पता है बहुत ही क्लियर बनाते हैं और उसको बोलते हैं ब्लबर ब्लबर बोल देते हैं ये इनका सिर्फ रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होता बट उनके बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है क्योंकि आप देख चुके हो जो वेल्स होती हैं वो किस कैटेगरी में आती हैं वो मैमल्स में हैं और हमने बोला था मैमल जो होते हैं, वो वार्म ब्लडेड होते हैं यानी कि एंडोथर्मिक होते हैं एंडोथर्मिक का मतलब है है ये अपना जो, जो है, वो बैलेंस कर पाते हैं तो ये जो थिक फैट प्रेजेंट होती है वेल वगैरह के केस में सील्स के केस में वो क्या होती है उसमें वार्म ब्लडेड होती है क्योंकि उनमें थिक लेयर प्रेजेंट है फैट्स वगैरह की अब टाइप ऑफ फैटी एसिड देख लो पहले तो सैचुरेटेड हो सकते हैं ट्रांस हो सकते हैं मोनो अनसैचूरेटेड हो सकते हैं या फिर पॉली अन हो सकते हैं सबसे पहले सेचूरेटेड की बात करते हैं इनमें ना सिंगल बॉन्ड होंगे ठीक है सिंगल बॉन्ड आपने पढ़ा होगा ऐसे कार्बन कार्बन चेन्स बनाते थे एक ज़माने में ठीक है केमिस्ट्री जब पढ़ते होते थे तो ये जो सिंगल चेन वाले हैं ये सारे क्या हैं सैचूरेटेड हैं इनमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं आपको दिखाई देगा स्ट्रेट स्ट्रक्चर रहते हैं यानी कि एक चेन बनती चलेगी बनती चलेगी बनती चलेगी एंड सॉलिड होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे। तो जैसे आपका घी आ गया बटर आ गया ये सारे कहाँ पे मिल जाएंगे आपको दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेचूरेटेड इनमें कोई भी डबल बॉन्ड वगैरह नहीं होता सिंगल बॉन्ड होता है बीफ आ गया बटर आ गया कोकोनट ऑयल आ गए तो ये सारे किस में आ जाते हैं आपके सेचूरेटेड वाली कैटेगरी में हेल्थ इम्फेक्ट क्या रहते हैं तो ज़्यादातर हार्ट डिजीज़ का रिस्क रहता है और पर डे अगर 220 ग्राम से कम ले रहे हैं तो ये प्रोड्यूस करेंगे लगभग 2000 किलो कैलोरी डाइट तो उतनी सफिशियंट होती है उससे ज़्यादा नहीं लेना होता उसके बाद आता है ट्रांस ट्रांस जो होता है इसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं जैसे एक कार्बन है फिर एक सिंगल बॉन्ड है फिर डबल आ सकता है इस तरह से पॉसिबिलिटी रहती है ठीक है या फिर ट्रिपल भी आ सकता है लाइक दिस ठीक है तो ये जो कैटेगरी आती है आपकी ये आती है ट्रांस सेचूरेटेड फैटी एसिड्स के केस में अब ये जो ट्रांस वाले हैं इनमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं स्ट्रेट स्ट्रक्चर रहते हैं इनका भी सेमी सॉलिड होते हैं या फिर रूम टेम्परेचर पे आपको सेमी सॉलिड मिलेंगे या सॉलिड भी मिल सकते हैं मार्ग्रेन आ गया क्रीम सूप विद पफी पेस्ट्री आ गई चिकन पाए आ गई तो ये सारे किस में आते हैं ट्रांस के केस में आते हैं ये भी हार्ट को काफ़ी इम्पैक्ट कर सकते हैं पर अगर 2.2 ग्राम से कम ले रहे हैं पर डे तो फिर ये इतने इम्पैक्ट नहीं कॉज करते उसके बाद आते हैं मोनो अन एक डबल बॉन्ड सिस कॉन्फिग्रेशन में प्रेजेंट होगा बेंट सा स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ऑलिव ऑयल आ गया कैनोला ऑयल आ गया पीनट ऑयल आ गया ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं दे आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेचुरेटेड फैटी एसिड इसको मूफा भी बोल देते हैं मोनो अनसेचूरेटेड फैटी एसिड इससे क्या होता है हार्ट का जो डिजीज़ का रिस्क है वो रिड्यूस किया जा सकता है ये ऑलिव ऑयल हो गया कैनोला ऑयल हो गया पीनट ऑयल हो गया बोलते हैं ना कि ऑलिव ऑयल यूज़ करना शुरू करो क्योंकि हार्ट पे फैट डिपोजिट हो गया तो उस केस में ये हार्ट वगैरह की डिजीज़ को रिड्यूस कर सकता है जबकि ऊपर हमने जो देखे सेचूरेटेड और ट्रांस ये हार्ट डिजीज़ के ऊपर काफ़ी इंपैक्ट कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं पर अगर मॉडरेट इनटेक हम ले सकते हैं मोनो अन फैटी एसिड की तो ये रिड्यूस कर देते हैं हार्ट डिजीज़ को इसके बाद आता है पोफा यानी कि पॉली अन फैटी एसिड इसमें बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड्स हो सकते हैं मोनो अनसेचूरेटेड में मतलब था कि एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा ट्रांस में मतलब था कि बड़े सारे डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं एक ही चेन के अंदर ठीक है और जो पोली पॉली अन है इसका मतलब है कि मल्टीपल डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं लाइक like दिस और ये भी बहुत ज़्यादा बेंड हो जाता है जैसे मोफा था उसके बाद लिक्विड होते हैं ये भी रूम टेम्परेचर पे सोयाबीन ऑयल आ गया कॉर्न ऑयल आ गया फैटी एसिड आ गया तो ये भी हार्ट डिजीज़ वगैरह को रिड्यूस करते हैं और मॉडरेट इनटेक जो होती है इनकी पॉल, पॉली अन फैट्स की वो रिड्यूस कर सकती है आपकी हार्ट डिजीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम अब कोलेस्ट्रॉल आता है आपका एक होता है हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल ठीक है उसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोल देते हैं अब ये गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है आपके ब्लड के अंदर उसको लीवर के पास ले जाता है और लीवर उसको क्या करेगा तोड़ेगा छोटे छोटे पीसीज में और बॉडी से निकाल देगा क्या हुआ आपकी बॉडी में गया एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल ठीक है एक्स्ट्रा चला गया एक्सेस कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड के अंदर चला गया और ब्लड से लेगा कौन लीवर ले लेगा लीवर ने क्या किया उस एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को तोड़ दिया और बना दिया उसको वेस्ट प्रोडक्ट और बॉडी से बाहर निकाल देगा तो इसका मतलब है जो हाई लेवल ऑफ हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन रहते हैं आपके दे हेल्प टू मेंटेन द हार्ट हेल्थ, हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं वहीं पे एक होता है लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल या फिर लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन ये क्या करेगा इट विल कैरी कोलेस्ट्रॉल टू टिश्यू थ्रू योर अब यहाँ पे लीवर की जगह नहीं लेके जाएगा लीवर के पास नहीं लेके जाएगा पूरे टिश्यूज़ के पास ले जाएगा ठीक है जब आपने बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन खाए हैं ठीक है जंक मटेरियल वगैरह खाया है तो ये क्या करेगा आर्टरीज हैं आपकी धमनी है वेन्स हैं नसें हैं इनकी वॉल पर डिपॉजिट होना शुरू कर देता है जिससे ब्लड फ्लो जो है कहीं ना कहीं उसको फ्लो करने में कम एरिया बचेगा तो आपके ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बन जाती हैं ठीक है थीके? तो ये बैड होता है हमारे हार्ट हेल्थ के लिए तो जो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं वो दोनों के बने होते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल तो जब भी कोलेस्ट्रॉल चेक किया जाता है तो इन दोनों चीजों को देखना होता है एस और एल उसके बाद आती है प्रोटीन ये देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अभी के लिए इतना ही इफ like like well यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल टिल देन टिल्ड टेक केयर थैंक यू हैव अ नाइस डे कीप स्टे की वाचिंग